सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दिल्ली में बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर की बायोग्राफी बुक लॉन्च हुई। बायोग्राफी बुक का नाम बैडमैन है। गुलशन ग्रोवर को बॉलीवुड में बैडमैन के नाम से ही जाना जाता है। इस मौके पर गुलशन ग्रोवर के अलावा एक्टर सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, एक्ट्रेस महिमा चौधरी मौजूद रही। वहीं बुक लॉन्च में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और जस्टिस ए के सीकरी भी शामिल हुए। बुक लॉन्च के दौरान गुलशन ग्रोवर ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले। गुलशन ग्रोवर ने कहा कि बुक में जिंदगी से जुड़े सभी उतार चढ़ाव का जिक्र किया गया है। वहीं इस मौके पर सभी लोगों ने गुलशन ग्रोवर को उनकी बायोग्राफी बुक के लिए शुभकामनाएं दी। अरे कैमरा नीचे भाई। इंजीनियरिंग को कहना आप एसी जरा बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे इतने सारे पुराने साथियों से एक साथ मिलने का अवसर दिया। He's a great guy, he's a strong guy, and to come to this position to be photographed with the best of the world. ऐसे लोगों को हम जिनके बारे में सोचे भी नहीं उनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। क्या क्या कहानी है इस बुक में, पता नहीं कितना लिखा है, पढ़ेंगे जब देखेंगे। मगर वो मेरा सीनियर है, एक बहुत ही अच्छा एक्टर है। गुलशन, ऑल द बेस्ट टू यू माय डियर, यू डिजर्व ऑल द सक्सेस। यू आर अ बैड मैन ऑन द बुक, बट योर हार्ट इज द गुड मैन्स हार्ट। बट ट्रूली ऑनेस्टली दे से फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज, एंड आई थिंक वी चोज गुलशन बिकॉज ही इज फैमिली। ही इज ऑलवेज बीन देयर, गुड बैड अगली। He's always with you, always believes in you. So thank you, Gulshan, for making us a part of this beautiful journey of yours, and especially today, which is a very, very important day in your life, for us being a part of it. I think you need 400 more books like these to complete Gulshan Grover, the man and not just the actor. I would say that this is autobiography. That means this is the story of his life. And when it says bad man, within bracket, below it, it should have been bad man, but a man with golden heart. Wow. And that is what Jackie has also said, and Sunil has also said. I entirely agree. And although today I am a retired judge from Supreme Court, had I been sitting as a judge, I would say I give that judgment also. That he is a man with golden heart,